स्वास्थ्य एवं अस्पताल द्वारा 5 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर हृदय अद्यतन का आयोजन कर पत्र परिषद में एक साल के यशस्वी सफर के बारे में जानकारी साझा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य एवं अस्पताल के डॉक्टर्स उपस्थित थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स नागपुर जैसे कई प्रमुख चिकित्सा संगठन भी सहयोगी के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रमुख राष्ट्रीय अतिथि वक्ताओं में डॉक्टर वीरेंद्र एस बेदी, अध्यक्ष और वरिष्ठ सलाहकार संस्थान सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली और सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर आर आर मंत्री, डॉक्टर ध्रुव अग्रवाल, डॉक्टर अपूर्व श्रीवास्तव, डॉक्टर एस सी मनचंदा भी उपस्थित थे। वैज्ञानिक सत्र का संचालन डॉक्टर पंकज हरकोट, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर रोहित गुप्ता, कंसल्टेंट वेस्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जरी द्वारा किया गया। वैज्ञानिक सत्र के बाद शाम 6:10 से स्वास्थ्य वॉल्व और महाधमनी क्लिनिक का औपचारिक उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य अस्पताल नागपुर में पहला वर्ष पूरा कर रहा है और प्रसिद्ध सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से संबद्ध है। इसे ट्रांस एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन करने वाला सबसे कम उम्र का संगठन होने का श्रेय है। यह एक टीम आधारित दृष्टिकोण में वाल्वुलर हृदय रोग और महाधमनी रोग वाले सभी रोगियों को संबोधित करेगा। हमने एकीकृत IVUS और FFR के साथ पहली सीलिंग माउंटेड हाइब्रिड कैथ लैब स्थापित की है और यह मध्य भारत का पहला अल्ट्रा मॉडर्न अस्पताल है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। बाइट स्वास्थ्य अस्पताल द्वारा कम अवधि में 350 से अधिक कोविड मामलों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया गया। स्वास्थ्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर अंत में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। ये हमने एक साल बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया। करीब करीब हमने 10,000 से ऊपर आउट पेशेंट को ट्रीट किया है। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय जो था वो कोविड का था कि इस दौरान मतलब हम सभी देख रहे हैं कि इस शतक की सबसे बड़ी मेडिकल ट्रेजेडी हमारे सामने हो रही थी कोविड। तो स्वास्थ्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक यंगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इस चैलेंज को लिया और हमने करीब 350 कोविड पेशेंट को लिया। लेकिन साथ साथ में हमने ये किया कि कोविड के अलावा जो बीमारियां हैं वो कहीं पीछे ना पड़ जाए, तो कोविड के साथ साथ में हमने जो नॉन कोविड डिजीजेस है उनको भी उतने ही प्रोटोकॉल के तहत ट्रीट किया और विदाउट एनी हॉस्पिटल में कोई क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होते हुए। करीब करीब 1,000 से ऊपर हमने एंजियोप्लास्टीज और एंजियोग्राफीज की है कैथ लैब में इस दौरान इस एक साल में। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।